Hey, what's up guys? So welcome back to the channel. और आज का वीडियो कोई गेम प्ले वीडियो नहीं होने वाला भाई। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप गोल्ड को कैसे फास्ट अर्न कर पाओगे, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास अनलिमिटेड गोल्ड होगा, पर मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जिनको बेस के आप नॉर्मल से ज़्यादा गोल्ड अर्न कर सकते हो। तो बहुत सारे बंदे भी मेरे को कमेंट सेक्शन में कह रहे थे कि भाई इसके ऊपर वीडियो बनाओ, तो फाइनली मैं वीडियो लेके आ गया हूँ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और या अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना भाई, और इस वीडियो को भाई लाइक करो ताकि जो जो बंदे यूट्यूब या खेलते हैं उनके पास भी ये वीडियो पहुँच सके, ठीक है। तो या स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी अपना आपका टाइम वेस्ट किए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, तो जो अपनी पहली चीज़ है, सबसे पहली चीज़ वो है सेंड कलेक्ट करके बेचना, ठीक है। सेंड का प्राइस भाई अभी जो ट्रेडिंग हॉल में चल रहा है कि 3 सिल्वर के आसपास, और सेंड की डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो आप सेंड को इजीली कलेक्ट भी कर सकते हो। सेंड इतनी रेयर भी नहीं है, और इन सेंड को बेच के आप अच्छा खासा गोल्ड अर्न कर सकते हो भाई साहब, क्योंकि ये बिकती बहुत जल्दी है, ठीक है। अगर आपने इस साइड इसको बेचने के लिए लगाया और एक आधे घंटे में ये बिक भी जाती है, और इसका प्राइस काफ़ी हाई चलता है भाई। आप सेंड को कलेक्ट भी आसानी से कर सकते हो। अगर आपके पास अच्छा खासा जो फास्ट माउंट हुआ तो आप सेंड को कलेक्ट काफ़ी इजीली कर सकते हो, क्योंकि आपका माउंट काफ़ी फास्ट हुआ। तो देख सकते हो मेरी ल्यूनार फॉक्स और मेरा रेड ओस की स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर मैं इन दोनों का यूज़ करके सेंड को कलेक्ट करूँगा तो काफ़ी इजीली सेंड को मैं जल्दी कलेक्ट कर पाऊँगा, और उनको बेच के गोल्ड भी काफ़ी तगड़ा अर्न कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट चीज़ है वो है क्ले, और क्ले और सेंड का काफ़ी सेम ही चीज़ है, सेम ही सीन है। तो क्ले का प्राइस भी आपको 3 सिल्वर देखने को मिल जाएगा, और क्ले की डिमांड भी काफ़ी हाई है, क्योंकि ये बिल्डिंग मटेरियल्स में आती है, तो इनकी मदद से हम ब्रिक वॉल बना सकते हैं, जो कि काफ़ी थोड़ी सी रेयर चीज़ है। तो इसके लिए आपको चाहिए होगी क्ले, तो क्ले भी काफ़ी तगड़ी बिकती है आप ट्रेडिंग वॉल में डालोगे तो। और क्ले के साथ एक और भी फ़ायदा है कि आप दोनों को जब क्ले कलेक्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा जो अर्थ वर्म है, तो उनको बेच के भी आप अच्छा खासा जो गोल्ड अर्न कर सकते हो, और इनके आप इनकी मदद से आप फिशिंग भी कर सकते हो। जिनके फिश आपको अगर रेयर मिल गई तो उससे भी आप गोल्ड अर्न कर सकते हो, तो इससे आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी, तो दोनों तरफ आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। तो क्ले को भी बेच के आप काफ़ी तगड़ा गोल्ड अर्न कर सकते हो। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट चीज़ है वो है रेसिन, तो आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो ये हमें मिलती है जो ट्रीज को सोप करने से, ठीक है, और इसका प्राइस अभी चल रहा है 9 सिल्वर के आसपास, क्योंकि इससे बनते हैं प्लैंक जो कि काफ़ी तगड़े भाव में बिकते हैं, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा ट्री सोप करने से, और ट्री सोप करने से एक और फ़ायदा है कि इससे आपको मिलेगी लीफ और जो सिल्कवर्म और वुड और बाकी सारी चीज़ें, तो उनको बेच के भी आप और गोल्ड कमा सकते हो, ठीक है। तो रेसिन को बेच के भी आप काफ़ी तगड़ा गोल्ड अर्न कर सकते हो। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट चीज़ है वो है ऑर्ब, तो और आप सबको पता है कैसे मिलता है, इम्पिस को मारने से, और इम्पिस को मारना इतना हार्ड भी नहीं अगर आप अच्छे खासे लेवल के प्लेयर हो तो। ऑर्ब का प्राइस अभी ट्रेडिंग हॉल में चल रहा है 3 सिल्वर, ठीक है, और ऑर्ब को कलेक्ट करना इतना हार्ड भी नहीं अगर आप अच्छे खासे वेपन्स यूज़ करते हो, और ऑर्ब काफ़ी जगह पे यूज़ होता है, जैसे कि वेपन्स बनाने में, आर्मर बनाने में, तो इसकी डिमांड भी काफ़ी अच्छी होती है, तो ऑर्ब आप कलेक्ट करके बेच के काफ़ी तगड़ा गोल्ड अर्न कर सकते हो। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट चीज़ है वो है क्लेवर, तो क्लेवर एक फ्लावर है जिसको कलेक्ट करना काफ़ी इजी है, आपको मिल जाएगा ये ड्रैगन ट्री आइलैंड पे, और इसका प्राइस अभी चल रहा है 2 सिल्वर, उसको कलेक्ट करना भाई सबसे इजी है इन सब चीज़ों में, और ये बिकता भी काफ़ी इजीली है। पता नहीं इसका यूज़ तो क्या होता है, शायद से फीड बनाने में यूज़ होता है, तो आप इसको कलेक्ट काफ़ी इजीली कर सकते हो ड्रैगन ट्री आइलैंड पे, और इसको भी आप अच्छा खासे अमाउंट में बेच के अच्छा खासा गोल्ड अर्न कर सकते हो। ओके, तो हमारे इस वीडियो की लास्ट और सबसे महंगी चीज़ है वो है बैम्बू सूट बर्ड, ठीक है। ये आपको मिलेगा जो इल्यूजनरी ग्रास है, जो न्यू आइलैंड आया है उसके अंदर जो इल्यूजनरी ग्रास वुड है उसको मारने से आपको मिलता है, और इसका प्राइस चल रहा है अभी ट्रेडिंग हॉल में करीब 25 सिल्वर के आसपास, ठीक है। तो इसको आप कलेक्ट करके काफ़ी तगड़ा गोल्ड अर्न कर सकते हो, ठीक है। इसको कलेक्ट करना हार्ड नहीं है, जैसे ही इल्यूजनरी ग्रास वुड को मारोगे तो 100% आपको बैम्बू सूट बर्ड मिलेगा, ठीक है। तो इसको बेच के आप काफ़ी तगड़ा गोल्ड अर्न कर सकते हो। सो या आज की वीडियो को रखते हैं यहीं तक, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और हाँ, इतने ही तरीके नहीं है जो गोल्ड को अर्न करने के, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनकी मदद से आप गोल्ड को अर्न कर सकते हो, पर ये तो मैं जितने जानता था वो मैंने बताए, तो आगे मैं और भी वीडियोस लाऊंगा हाउ टू अर्न गोल्ड फास्ट पे, ठीक है। तो ये उसका पार्ट 1 था, और ये वीडियो मैंने थोड़ी जल्दबाजी में बनाई है इसलिए इतनी अच्छी नहीं है, पर जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो काफ़ी तगड़ी होने वाली है, मैंने एकदम मस्त प्लान बनाया उस वीडियो के लिए, तो उस वीडियो के लिए स्टे ट्यून रहना, ठीक है। उसमें मैंने काफ़ी तगड़ी एक प्लान किया है एक चीज़ को, तो यार मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।